हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हो भाई आप सभी लोग? बेटा आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूँ वो क्लास पॉलिटी वाली क्लास है। जो पॉलिटी हम चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी को। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि सभी लोग पढ़ रहे होंगे ठीक से। वैसे लगता तो नहीं है, रेडियो के न्यूज वगैरह देख के और टाइमिंग वगैरह देख कर आप लोग पढ़ रहे हो। फिर भी मैं बोलूंगा आपसे कि भाई पढ़ो, एग्जाम्स आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप सभी लोग लगे हुए हो प्रोटेस्ट में, जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, और मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों से कि भाई करो जितना सपोर्ट करना है। अभी टाइम है, अभी चल रहा है प्रोटेस्ट और बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। अगर अभी और दम लगा के थोड़ा सा हम साथ होके अगर ये प्रोटेस्ट करें तो एनटीपीसी की भी डेट देने पर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और उसे एनटीपीसी का एग्जाम कराना पड़ेगा। तो सभी लोग जितने भी देख रहे हो, अभी ये मत सोचो कि मुझसे तो कोई नहीं जुड़ा है। अरे आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई पोस्ट डालते हो तो इसे काफी सारे लोग देखते हैं। तो करो जितना करना है भाई, सपोर्ट करो। जितने भी बड़ी बड़ी फैकल्टीज हैं, कर रही हैं, उनको सभी को सपोर्ट करो। बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। चलो मैं टॉपिक पे आता हूँ, टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो होगा हमारा आपका आज का वही होगा पॉलिटी वाला टॉपिक। तो लास्ट क्लासेज में मैंने आपके लिए जो पढ़ाया था आपके लिए वो दो एक्ट थे। एक एक्ट पढ़ाया था दोस्तों मैंने आपको 1833 का चार्टर अधिनियम, और एक और पढ़ाया था 1813 का चार्टर अधिनियम। एक तो 1813 वाला और एक पढ़ाया था 1833 वाला, और ये दोनों ही चार्टर अधिनियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मैंने काफी डिटेल्स में पढ़ाया है, उससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो जितने भी दोस्त, जितने भी देखने वाले हैं, अगर उन्होंने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियोज को जरूर देख लें। शुरुआत करेंगे टॉपिक की आज हम। तो आज हमारे टॉपिक में जो होगा दोस्तों, आगे इसी में कंटिन्यू करते हुए, वो होगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट होगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ था, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें बदली थी, या कौन कौन सी नई चीजें इसमें आई थी, कौन से नए कानून, कौन से नए अधिनियम इसमें जोड़े गए थे, सबकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे इसमें। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी, जिससे कि सारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती हैं। चलो करते हैं शुरुआत। तो देखो 1833 के चार्टर अधिनियम में, 1853 के चार्टर अधिनियम में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात क्या थी दोस्तों, कि जो कंपनी अभी तक शासन कर रही थी, कंपनी अभी तक जो शासन कर रही थी, अब ये तय कर दिया गया इस अधिनियम के तहत कि ब्रिटिश संसद जब चाहे, जिस दिन चाहे, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रिटिश संसद जब चाहेगी कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर सकती है। तो पहली चीज इसके अंदर जो आई थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी। तो इसको लिख लोगे कि ब्रिटिश संसद, मैं बोलता जा रहा हूं, लिख लोगे ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। पहली इंपॉर्टेंट तो ये थिंग्स थी इसके अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट। इसमें पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो कंपनी के शासन को जब चाहे खत्म कर सकती है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी बना था एक तरीके से अधिनियम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई इसमें, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी इस एक्ट के तहत, जो जनरल गवर्नर था भारत का, वो जनरल गवर्नर अभी बंगाल का भी जनरल गवर्नर था। देखो ध्यान से सुने इस वाले पॉइंट को, कि अभी 1833 के चार्टर एक्ट में हमने क्या पढ़ा था, 1833 के चार्टर एक्ट में ये था कि जो बंगाल का जनरल गवर्नर था उसे भारत का जनरल गवर्नर बना दिया, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल गवर्नर के रूप में वो काम कर रहा था। अभी इस एक्ट के तहत उसे बंगाल के जनरल गवर्नर से मुक्त कर दिया गया।
वहां की जो जिम्मेदारियां थी जनरल गवर्नर के रूप में, वो जिम्मेदारियां समाप्त कर दी गई। अब वो जनरल गवर्नर के रूप में बंगाल के रूप में कार्य नहीं करेगा। क्या हुआ अब यहां पर कि यहां बंगाल के लिए एक गवर्नर अपॉइंट करने की व्यवस्था की गई कि बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर अपॉइंट किया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब ऐसी व्यवस्था की गई कि बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर अपॉइंट किया जाए, व्यवस्था हुई, तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका क्या होगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा कि वो अब जो करेगा वो पूरे कानून व्यवस्था सेंट्रल में ही बैठ के देखेगा। तो यहां पर क्या होता है कि पूरा केंद्रीकरण हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से पहली बार केंद्रीकरण यहां पर हो जाएगा शासन का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि शासन का केंद्रीकरण कब हुआ था, तो 1853 के चार्टर एक्ट में शासन का क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। तो यहां पर जो पॉइंट नोट करोगे वो कौन सा करोगे आप, यहां पर पॉइंट नोट करोगे बंगाल के लिए अलग गवर्नर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। एक ये पॉइंट इसमें आप नोट कर लोगे। एक तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो जनरल गवर्नर की काउंसिल होती थी, जनरल गवर्नर की जो परिषद होती थी, अब जनरल गवर्नर अपनी परिषद में एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट लिखोगे जनरल गवर्नर अपनी परिषद में एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता था, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता था। एक तीसरा पॉइंट यहां पर ये लिखोगे कि जनरल गवर्नर अपनी परिषद में एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता था। हो गया यहां तक। एक पॉइंट यहां पर ये लिखोगे, चौथा पॉइंट ये रहेगा कि जो निदेशक मंडल था, उस निदेशक मंडल में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 24। निदेशक मंडल के अभी तक जितने सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 24 थी। लेकिन इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया और वो संख्या कम करके कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। तो एक पॉइंट ये लिखोगे यहां पर, चौथा पॉइंट, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके कितनी कर दी गई दोस्तों, 18 कर दी गई। कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके कितनी कर दी गई, 18 इसकी संख्या कर दी गई। एक चौथा पॉइंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। एक पॉइंट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के जो प्रशासनिक और विधायी कार्य थे, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव कार्य थे, उन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के जो प्रशासनिक और विधायी कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। अब उस विधायी कार्य में क्या था कि यहां पर विधायी कार्यों के लिए 6 पार्षद की नियुक्ति की गई। कितने की, 6 पार्षद इसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे। अब ये 6 पार्षद जो अपॉइंट होंगे ये कहां कहां से होंगे, ये बड़ा क्वेश्चन था इसमें। तो 6 पार्षद जो अपॉइंट होंगे वो होंगे, एक 6 पार्षद के लिए जगह बताई गई कहां कहां से अपॉइंट होते हैं कि बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतों की सरकारें हैं वो अपॉइंट करेंगी इसको। कहां कहां से होंगे भाई, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतों की जो सरकार है वो 6 पार्षद की नियुक्ति करेंगी। किसमें, विधायी व्यवस्था के अंदर, जो विधायी व्यवस्था चल रही थी उसके अंदर ये नियुक्ति करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पांचवा पॉइंट आप नोट करोगे, कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, को अलग
अलग कर दिया गया। और मैंने इसके लिए बताए थे कौन कौन से, अभी कितने पार्षद, देखो विधायी कार्यों की यहां पर बात की जाएगी कि विधायी कार्यों में कितने पार्षद, 6 पार्षद अपॉइंट होंगे, कितने, 6 पार्षद। अब ये 6 पार्षद जो अपॉइंट होंगे वो कहां कहां से होने, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये होने बंगाल, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो स्थानीय सरकार है वो इनको अपॉइंट करेंगी, वहां से ये अपॉइंट करके लाई जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पांचों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इनको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं इनको, फिर आगे की कहानी बताता हूं इसमें आगे क्या हुआ, फटाफट से करो, आगे बढ़ते हैं। चले देखो आगे इसमें पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जितने भी होंगे, तो पॉइंट इसमें यह है आगे कि जो कंपनी थी और कंपनी में अभी तक जो नियुक्तियां होती थी उन नियुक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी दोस्तों, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अपॉइंट होते थे लोग, जो भी भर्तियां होती थी उसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी। तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के लोगों के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई कि यहां पर कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या होगी, परीक्षा होगी, भर्ती के लिए उनकी एग्जाम कराया जाएगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहां पर सिविल सेवा, सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति बनाई गई। इंपॉर्टेंट है किस समिति, कौन सी समिति बनी थी, सिविल सेवा के लिए एक मैकाले समिति बनाई गई। और पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल सेवा में भारतीय लोगों को शामिल करने की व्यवस्था की गई और पहली बार ही सिविल सेवा खुली प्रकार, खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा की पहली बार भारत में हुई थी। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता भारत के अंदर हुई थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट ये रहेगा इसके लिए मैकाले समिति बनी थी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि भारतीय लोग इसमें भाग ले सकते थे, और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एज थी वो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक की थी। कितनी थी, 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक की इसमें एज यहां पर ये थी निर्धारित की गई कि यहां पर इतनी एज रखी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने पॉइंट यहां पर बताए हैं, एक बार मैं नोट डाउन करा देता हूं सारे पॉइंट को। तो मैंने क्या बोला, एक तो कंपनी के, एक पॉइंट मैंने क्या बोला, कंपनी के कर्मचारियों के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता, प्रतियोगिता लिख देते हैं, प्रतियोगिता की व्यवस्था, की व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या हुआ कि सिविल सेवा, सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति बनाई गई, मैकाले समिति बनाई गई, एक ये लिखोगे, आगे लिखोगे सिविल सेवा, सिविल सेवा पहली बार भारत में, पहली बार भारत में खुली प्रतियोगिता के रूप में हुई, खुली प्रतियोगिता के रूप में पहली बार भारत के अंदर हुई। चौथा पॉइंट इसमें ये लिखोगे कि सिविल सेवा में, सिविल सेवा में भारतीय भाग ले सकते थे, भारतीय लोग भाग ले सकते थे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और पांचवा पॉइंट लिखोगे कि सिविल सेवा की आयु, सिविल सेवा की जो आयु थी दोस्तों वो कितनी थी, 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक थी, जो बहुत गलत थी। ठीक है, जो मापदंड था ये बहुत गलत था, 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक का जो मापदंड था ये काफी बेकार था। एक तो ये वाली बात हुई, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी, एक इंपॉर्टेंट बात आपको 1833 के चार्टर एक्ट में मैंने ये पढ़ाया था कि जो विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, उस विधि आयोग के अंदर कितने सदस्य रखे गए थे, 4। विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी उस विधि आयोग में सदस्य कितने रखे गए थे, 4 सदस्य रखे थे। इसमें जो चौथा सदस्य था विधि आयोग में वो कानून विशेषज्ञ था, कौन था, कानून विशेषज्ञ था। ठीक है, ये होया। अब इस कानून विशेषज्ञ का क्या होता है कि जब 1853 का ये चार्टर एक्ट लाया जाता है तो
उसके अंदर जो चौथा सदस्य था कानून विशेषज्ञ, इस उसको वोट देने का अधिकार नहीं था वहां पर, कि वो काउंसिल के सदस्यों को वोट नहीं कर सकता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो चौथा सदस्य है विधि आयोग का, वो भी वोट कर सकता है और उसे भी उन तीन लोगों के समान ही अधिकार मिलेंगे जो उन तीन लोगों के अधिकार हैं। तो एक चौथा पॉइंट यहां पर ये लिख लो, मैं बोलता जा रहा हूं इस पॉइंट को, सॉरी हाँ, विधि आयोग लिखो, ये जनरल गवर्नर की परिषद में चौथा विधि सदस्य, जनरल गवर्नर की परिषद में चौथा विधि सदस्य जोड़ा गया था 1833 के एक्ट में, ठीक है, उसे वहां वोट देने का अधिकार नहीं था लेकिन इस एक्ट में उसे वोट देने का अधिकार मिल गया और सभी के समान उसे अधिकार दिए गए। एक तो ये वाला पॉइंट यहां पर नोट कर लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर ये नोट करोगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो इस एक्ट के तहत दो नए प्रांतों की व्यवस्था की गई, इस एक्ट के तहत दो नए प्रांतों की व्यवस्था की गई और दोनों नए प्रांत कौन कौन से थे, एक तो सिंध था और एक पंजाब था। मैं रफ कर देता हूं इसको, रफ करने के बाद मैं लिख देता हूं, दो नए यहां पर लिखोगे, दो नए प्रांतों की व्यवस्था की गई, दोनों प्रांतों के नाम लिखोगे। आपसे पूछ सकता है भाई सिंध प्रांत की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी और एक पंजाब, तो ये दोनों कब बने थे, दोनों प्रांत ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इनकी स्थापना हुई थी सिंध की और प्रांत की। तो ये जो प्रावधान था ये काफी इंपॉर्टेंट था और इस प्रावधान में मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी 1833 के 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या था और ये काफी इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। इसके बाद जो एक्ट आया वो था 1858 का चार्टर एक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। 1858 के चार्टर एक्ट में क्या क्या था वो भी देखेंगे और इस एक्ट को लाया क्यों गया था ये भी देखेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। 1858 चार्टर एक्ट, देखो 1858 के चार्टर एक्ट की थोड़ी सी पहले कहानी देखते हैं क्या था। देखो 1858 से पहले देश के अंदर एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, और ये इतनी बड़ी क्रांति थी कि इस क्रांति से पूरी अंग्रेजी सरकार हिल गई थी और इस क्रांति को होने के बहुत सारे कारण थे, जैसे इसमें बोला जाता है सोशल कारण था, जैसे सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था या तत्कालीन कारण भी था। तत्कालीन कारण सभी जानते हो कि गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूस दिए गए थे, वैसे एक अफवाह बताई जाती है जिनको चलाने से जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने मना किया था और उनको ज्यादा दबाव डाला गया, तो जो आपके मंगल पांडे थे उन्होंने दो सरकारी ऑफिसर जो ब्रिटिश थे उनको गोली मार दी थी। तो यहीं से क्या होता है कि जब उनको फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को, तो वहीं से एक रेजिमेंट शुरू होती है मेरठ से और वही रेजिमेंट भारत में प्रदर्शन करना शुरू करती है, दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना राजा, मतलब बहुत सारी कहानियां, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है, मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। तो एटलीस्ट हुआ क्या इस चीज को देखते हैं, 1857 की क्रांति जिस तरीके से समाप्त हुई, जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने उस क्रांति को समाप्त कर तो दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार एक बात समझ गई थी कि भारत में शासन करना इतना आसान नहीं है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से भारत के अंदर वर्क कर रही है, जिस तरीके से शासन कर रही है, यह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी अगर यही नीति रही। तो उन्होंने बोला कि भाई ये समय अब ऐसा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ये हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां से खत्म किया जाए, क्योंकि इसके दुष्परिणामों से और इसकी गलत नीतियों के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सॉरी ब्रिटिश सरकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो 1858 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पहला पॉइंट तो यहां पर यही रहेगा, ठीक है। अब जो शासन था ये चलाएगा कौन, अब जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार चलाएगी, लेकिन अब इस शासन को ब्रिटिश सरकार की ओर से कौन चलाएगा, जो राज्य सचिव था या आप सेक्रेटरी भी कह सकते हो, सेक्रेटरी इस शासन को चलाएगा। अब सेक्रेटरी इस शासन को चलाएगा तो सेक्रेटरी को शासन चलाने के लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल का इंतजाम भी किया गया कि भाई आपको हम 15 सदस्यों की एक परिषद दे रहे हैं शासन चलाने के लिए। लेकिन यहां पर बात यह जरूर थी कि जो सचिव था उसके द्वारा जो कानून और जो उसके द्वारा कार्यवाही होंगी वो वैध होंगी और उन्हीं को माना जाएगा, उसके बिना अनुमति के कोई कानून या कोई कार्य नहीं हो सकता है,
ये उस सचिव की पावर थी। जब ये सारे काम यहां पर हुए कि यहां पर ये सचिव की पावर थी वो हो गई और 15 परिषदीय काउंसिल यहां पर बना दी गई, काउंसिल बना दी गई 15 लोगों की, जिस 15 लोगों में 7 लोग तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि 15 लोगों में जो 7 लोग हैं वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपॉइंट होंगे और बाकी बचे हुए जो 8 लोग हैं वो डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट होंगे। जब ये सारी व्यवस्था की गई तो जो भारत का जनरल गवर्नर था उस जनरल गवर्नर का नाम बदल दिया गया और जनरल गवर्नर का नाम बदल के अब उसको क्या बोला जाने लगा, वायस राय बोला जाने लगा। वायस राय का मतलब यहां पर यह था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। क्राउन कौन था? जो वहां के राजा होते थे, जो सरकार में काम कर रहे थे, जो राजा थे, उसको क्राउन बोला जाता था। मतलब क्राउन का प्रतिनिधि होता था, ये रिप्रेजेंटेटिव होता था क्राउन का। इसी को हम क्या बोलते थे, वायस राय बोलते थे। तो इस तरीके से यहां से क्या होने लगा कि यहां पर वायस राय अब अपॉइंट हो गया जनरल गवर्नर की जगह और ये वायस राय रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का। एक तरीके से कहा जाए तो पूरा शासन अब ब्रिटिश सरकार की ओर से चलाया जाएगा। लेकिन यहां पर देखो एक बात बहुत समझने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वायस राय था ये भी कोई कार्य बिना सचिव की अनुमति के नहीं कर सकता है। कोई भी कानून या कुछ भी इसने बनाया है बिना सचिव की अनुमति के पास नहीं होगा। तो यहां एक बात समझ में आ रही है दोस्तों हमारे, क्या कि यहां पर वायसराय बड़ा या सचिव? तो यहां पर वायसराय नहीं, बड़ा कौन होगा? सचिव बड़ा होगा यहां पर, क्योंकि कोई भी कार्य वायसराय सचिव की बिना अनुमति के नहीं कर सकता था। एक तरीके से यहां पर यह कह सकते हो आप कि सचिव की बातों को मानना वायस राय के लिए बाध्य था, ये बाध्यता थी कि वो सचिव की बातों को यहां पर मानेगा। तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर के अंदर कि बताइए भारत में पहला वायस राय कौन था। तो भारत का ये पहला वायस राय अपॉइंट हुआ था दोस्तों, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जबकि 1853 में अभी जो हम एक्ट पढ़ रहे थे उस 1853 के अंदर अगर आप देखोगे जनरल गवर्नर की बात करोगे तो वहां पर जनरल गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जिसकी भी कुछ व्यापक नीतियां कुछ गलत तरीके थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बोला जाता है, वो हम हिस्ट्री के पार्ट में पूरा कवर करेंगे। तो यहां पर समझने वाली बात क्या आई कि भारत का पहला वायसराय किसको बना दिया गया? लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि यहां तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। तो इन चीजों को मैं लिख दूंगा, आप समझ जाओगे सारी चीजों को। क्लियर है भाई यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे देखोगे यहां पर, इसमें थोड़ी से पॉइंट और हैं कि 1 नवंबर 1900 विक्टोरिया उसके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। भाई जब पूरा शासन किसके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिश सरकार के हाथों में जब आ जाएगा तो 1 नवंबर 1958 को ब्रिटिश महारानी रानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा भारत के संदर्भ में, और इसमें कुछ बातें थी। पहली इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या थी? पहली इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो भारत के अंदर रहने वाले भारतीय लोग, भारत के जो भारतीय लोग हैं और जो लोग ब्रिटिश लोग हैं, या ऐसे कह सकते हो कि जो ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन लोग आते हैं, जैसा बर्ताव ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन आने वाले लोगों के साथ हो रहा है या ब्रिटिश लोगों के साथ हो रहा है, वैसा ही बर्ताव भारत के अन्य लोगों के साथ होना चाहिए। इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं था, ये पॉजिटिव था। मतलब कहने का मतलब यह था कि भारत के लोगों के साथ ब्रिटिश सरकार एक अच्छा व्यवहार करे, जैसा वो ब्रिटिश लोगों के साथ भारत में कर रही है वैसा ही भारतीय लोगों के साथ करे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह था कि भारतीय लोगों को लोक सेवाओं में, लोक सेवा का मतलब जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, लोक सेवाओं में उनकी अपनी शिक्षा, उनकी योग्यता और उनकी जो भी क्वालिटी है उसके आधार पर निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तरीके से उनको भर्ती कराया जाए। अगर वो योग्य है किसी नौकरी के लिए तो उनको वो नौकरी दी जाए, उनको उस नौकरी में भर्ती कराया जाए। और क्या बोला गया कि भारतीय लोगों की भौतिक
और उनकी जो भी जरूरतें हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे कि भारतीय लोगों की भावना आहत हो या भारतीय लोगों को कोई दुख हो, ऐसा कोई भी कार्य भारतीय लोगों के खिलाफ ना किया जाए। तो ये ब्रिटिश महारानी जो थी उनके द्वारा ये सारी चीजें पास की गई थी। तो मैंने लिखी तो नहीं है दोस्तों ये सारी चीजें, मेरे ख्याल से आपको समझ में जरूर आ गई होंगी कि स्टोरी बेस्ड मैंने ये बता दी है। तो 1858 का जो अधिनियम था वो काफी इम्पोर्टेंट था और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है। यहां पर एक बात और समझने वाली है कि यहां पर जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद की मैं बात करूं ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश संसद में जो भारतीय मंत्री था, भारत का मंत्री, उसे गुप्त पत्र व्यवहार के जरिए वायसराय से बात करने का अधिकार था। ब्रिटिश संसद के अंदर भारत मंत्री को गुप्त पत्र व्यवहार के जरिए वायसराय से बात करने का अधिकार था। और यह भी वहां पर हुआ, दूसरी बात यह हुई कि ब्रिटिश संसद में भारतीय बजट को पेश किया जाए। तो 1858 के अधिनियम के तहत संसद में बजट को पेश करने की भी अधिकार दिए गए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पॉइंट। तो मुझे लगता है ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी जितनी मैंने बताई है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो हमारा लक्ष्य है क्या कि जो हमारा चल रहा है, सभी लोग प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, स्पीक अप फॉर एनटीपीसी या रेलवे एनटीपीसी, एसएससी या नीट जेई, जो भी दोस्त है वो सारे के सारे इस चीज को, स्लोगन को जारी रखो। मैं तो ये बोलूंगा अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, सारी जगह लगाओ, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है दोस्तों। वैकेंसी नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई का, बेकार है सब पढ़ाई हमारे लिए, जब तक सही तरीके से परीक्षा ना हो, टाइम से ना हो और बिना चीटिंग के ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात चीटिंग, हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई चीटर आता है पैसा लेके और ले जाता है फ्री में, तो हमें प्रोटेस्ट करना होगा, सही बदलना होगा। आप लोग यूथ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि सब लोग इस प्रोटेस्ट का साथ दें और अच्छे से पढ़ें। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।